तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू करने वाले हैं पैशन प्रो का एक्सटेक वर्जन, जो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का है। तो पहले पैशन प्रो बहुत नॉर्मल आती थी, अब काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। देख सकते हो इसके अंदर i3s पहले भी आता था, देखो प्रोग्राम fi, और इसके अंदर पहले यहाँ पे पड़ता था जो MOBL होता है, अब देखो यहाँ से पड़ता है। और जो इसका मीटर है गाइस वो भी काफ़ी बदल गया है, देखो ये रहा कुछ इसका ट्रिम करने का, तो बटन भी बदल गई है और पहले से काफ़ी ज़्यादा एडवांस लगने लगी है। वो ब्लू कलर में है, मैं ब्लैक में दिखाता हूँ। ब्लैक में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, ब्लू में भी ठीक है बट ब्लैक में काफ़ी मस्त शाइन कर रही है। तो ये देख सकते हो इसका मीटर, इसके अंदर पता नहीं कुछ लिखा होता है कंपनी का, ऑल दो ये मिटता भी है तो इनके पास कुछ होता है उसी से मिटाते हैं। और ये देख सकते हो पैशन प्रो की बैजिंग अभी, लेकिन इसके अंदर 4 गियर्स में आती है, 5 गियर में अभी नहीं आती है। इंजन की बात करें तो इसके अंदर हम लोगों को 110 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, और इसके अंदर जो पेट्रोल डल जाता है वो लगभग 12.5 लीटर के आसपास डल जाता है, तो बहुत बड़ा है और काफ़ी चलेगा, क्योंकि माइलेज भी मेरे पास है पैशन प्रो तो वो 60 का एवरेज आराम से दे देती है। तो आप ये समझ लो 60-65 का एवरेज है इसका, बहुत अच्छा है। तो अगर आप लोगे ना तो ये 12.5 लीटर एक बार फुल करा दी तो 1 महीने तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, 1 महीने मेरी चल जाती है अभी इनका पता। और ये रहे कुछ इसके टर्न इंडिकेटर्स, जो काफ़ी ज़्यादा स्लिम कर दिए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा पतले लगने लगे हैं। और ये देख सकते हो इसकी लाइट जो एकदम नहीं रात को भूत ही ऐसी लगती है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, थोड़ा अच्छी लगती है देखने में। और देख सकते हो i3s स्विच, अगर आप ES ऑफ ऑन करने के लिए, और यहाँ पे ये तो लॉक ही अनलॉक का होता है और कुछ नहीं, ये पासिंग का बटन है। बाकी ये फीचर्स वगैरह जो है ना ये सेम ही है पुरानी वाली पैशन प्रो जैसे, फीचर्स में नहीं लेकिन हाँ लुक में इन्होंने चेंज किया है, ताकि जो लुक कम पैसों में काफ़ी एकदम स्पोर्टी बाइक जैसी लुक ले पाएँ, तो ये काफ़ी एक अच्छी प्लस पॉइंट है। बाकी अगर आपको ख़रीदनी है तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हो गणेश मोटर सड़िया में, तो ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो अगर आप ख़रीदना चाहो तो ख़रीद सकते हो। बाकी अगर कोई आसपास से देख रहा है तो वो ख़रीदना चाहे तो ख़रीद सकता है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है इसको करने में। बाकी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद जय भारत।